भारत का खोज कब हुआ? भारत के खोज सबसे पहले जो है ये जानना चाहिए कि भारत का खोज किसी ने नहीं किया है। भारत का खोज जो है कोई नहीं किया, क्योंकि भारत जो है पूर्व से ही वहीं पे था जहाँ पे आज भी है। समझ में रहा है? भारत को जो है कोई आज तक नहीं खोजा। भारत तक जाने के लिए रास्ता का जो है खोज हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जाना जो है यूरोपियन को जो है मजबूरी था। क्योंकि भारत ने यूरोप का जाना मजबूरी इसलिए था कि भारत से जो है मसाला खरीद कर लाएंगे, हम अपने जो है यूरोप में उचित मुनाफा कमा कर हम अपने जो है यहाँ पे क्या करेंगे, अपना देश को विकास करें। तो उन्होंने सबसे पहले जो है भारत का व्यापार सऊदी से कर रहे थे। भारत से जो है मसाला का व्यापार जो है सऊदी से कर रहे थे। सऊदी वाले जो है भारत के सामान को खरीद कर अपने जो है बाजार में बेचते थे यूरोप वाले से। यूरोप वाले आते थे यहाँ पे सऊदी से, यहाँ के जो है भारत के सभी चीज़ों को खरीद कर अपने यूरोप में ले जाते थे। लेकिन अब ये जो है यूरोप को यहाँ पे अच्छा मुनाफा नहीं हो पा रहा। जब अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा था तो ये सोचे कि भारत का जो है एक रास्ता के पता किया जाए जहाँ से हम डायरेक्ट भारत से व्यापार कर सके। समझ में आया? कहाँ से कर सके? डायरेक्ट भारत से व्यापार करें। तो ये सबसे पहले जो है सऊदी होते हुए भारत एक बार पहुँचा, जो कि सऊदी के बगल में यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे सागर है, इसे अरब सागर कहा जाता है। कौन सा सागर कहा जाता है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर है। अरब सागर के ठीक ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे आप आइएगा तो कौन सा सागर मिलेगा? काला सागर। कौन सा सागर? काला सागर। कौन सा सागर है जी? काला सागर। यहाँ पे आइएगा, यूरोप के ठीक बीचों बीच जो है इस सागर को भूमध्य सागर बोला जाता है। कौन सा सागर? इसे भूमध्य सागर बोला जाता है। और यहाँ पे इसके ऊपर जो है बाल्टिक सागर होता है। देखिए ये जो है आपका अफ्रीका है। कौन सा देश है? कौन सा द्वीप है? अफ्रीका। कौन सा द्वीप? अफ्रीका। सबसे पहले जो है अफ्रीका पहुंचने वाले कौन थे? सबसे पहले अफ्रीका के दक्षिणी भारत के संदर्भ में जब यात्रा कर रहे थे तो दक्षिणी बिंदु पर पहुंचने वाला कौन सा व्यक्ति थे? वो थे बार्थोलोमिया। कौन थे जी? बार्थोलोमिया। इस बिंदु को क्या बोला गया? कोप ऑफ गुड होप। क्या बोला गया है? कोप ऑफ गुड होप। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है बार्थोलोमिया आया। ये बार्थोलोमिया भारत के खोज करने पहुंचे थे यार, भारत के जो है रास्ता पता कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है बार्थोलोमिया आया और उसके बाद यहाँ से जो है इसे पता नहीं चला कि हम किधर जाएं, क्योंकि उस समय जो है यात्रा करने की कोई सुविधा नहीं थी, जैसे कि दिशा सूचक यंत्र हो गया, ये सब नहीं था, जिसके कारण ये जो है नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ पे या कर अपने आशा पूर्ण किया, जिसके कारण इस स्थान को क्या बोला गया? बोला गया। उसके बाद जो है दूसरा नाविक यात्रा करने आया कोलंबस। कौन आया जी? कोलंबस। कोलंबस जो है ये बार्थोलोमिया कब आया था? ये 1488 में आया था, दक्षिणी बिंदु पर। अफ्रीका के कहाँ पे? दक्षिणी बिंदु पर 1498 में आया। उसके बाद आया कोलंबस। कोलंबस आया, कोलंबस कहाँ पहुँचा? कोलंबस जो है यूरोप से जो है यहाँ दक्षिणी
अमेरिका में आया। दक्षिणी अमेरिका में जो है वो कब आया था जी, 12 अक्टूबर 1492 में। कब आया? 12 अक्टूबर 1492 में आया। जो ये दक्षिणी बिंदु पर है, यहाँ इस जगह को कोलंबिया बोला गया। क्या बोला गया जी? कोलंबिया बोला गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्थान पे जो है, तीसरा बार जो है कौन आता है? वास्को डिगामा 20 मई 1498 में आता है, जो भारत का पता कर लेता है। वो सबसे पहले जो है जहाँ पे बार्थोलोमी आया था वहीं पे आया, लेकिन यहाँ से जो है कुछ भारत के व्यापारी जो है, जिसका नाम क्या था बताइए? अब्दुल मजीद जो है यहाँ पे भारत के व्यापारी था, यहाँ पे व्यापार करने आया था। इससे ये जो है कोलंबस पता पूछा कि भारत को बताइए कि भारत कहाँ पे है, तो भारत जो है लेकर गया अब्दुल मजीद। ये जो है भारत के केरल, कहाँ पे ले गया जी? केरल प्रदेश में ले गया। केरल में ले गया जो कालीकट बंदरगाह बोला जाता है, वहाँ पे कालीकट बंदरगाह में ले गया। वहाँ के राजा जो है राजा जुमरीन उसका स्वागत किया, और वे जो है यहाँ से जो है भरपूर मसाला वगैरह जो है खरीद दिया, और ये जो है मसाला ले गया, और यूरोप में 60 गुना क्या किया? मुनाफा कमाया। उसके बाद इसी तरह जो है विश्व यात्रा हुआ, जैसे कि मैगलैंड जो है विश्व यात्रा किया था जहाज से 1519 से जो है 21 तक जो है पूरा विश्व यात्रा किया।